नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 11 दिसंबर। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। 12वीं पास और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए निकाली गई भर्ती। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय जैविक संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिक्स में 12वीं पास और पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं के लिए 11 वैकेंसी निकाली गई है। ये वैकेंसी असिस्टेंट और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पद पर निकाली गई है। आवेदकों को ऑफलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की अंतिम तारीख 2 फरवरी 2021 है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार एप्लीकेशन फॉर्म nib.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही शैक्षणिक योग्यता समेत तमाम जानकारी भी आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं। पूर्वी चंपारण के गांधी संग्रहालय में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। यह शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक गतिविधियों का एक मुख्य केंद्र है। यहां पर गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित तथा दूसरे कई नेताओं की तस्वीरें, अवशेषों और कार्यों का संग्रह है। अंग्रेजों द्वारा किसानों और मजदूरों पर किए जा रहे अत्याचार को देखने जब महात्मा गांधी 1917 में मोतिहारी आए थे तो जिलाधिकारी ने उन्हें जिला छोड़ने को कहा, परंतु गांधी जी ने आदेश की अवहेलना की और कहा जाता है कि गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का यह भारत में पहला प्रयोग था। गांधी जी को 18 अप्रैल 1917 में धारा 144 का उल्लंघन करने के जुर्म में अनुमंडल अधिकारी के कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्होंने अपना पक्ष रखा और आदेश न मानने का कारण बताया। इसी स्थान पर सत्याग्रह स्मारक स्तंभ का निर्माण किया गया है। बिहार के 267 डाकघरों में जन सेवा केंद्र की सुविधा शुरू होगी 15 से। डाक विभाग सरकारी में नागरिकों और व्यवसायिक से नागरिकों को विभिन्न सेवाएं देने के उद्देश्य से 10,000 डाकघरों में 15 दिसंबर से डाकघर जन सेवा केंद्र का शुरुआत होने जा रहा है। स्तर पर डाक जन सेवा केंद्र का उद्घाटन होगा। इसमें 100 से अधिक सेवाएं मुहैया करवाई जाएंगी। मिली जानकारी के अनुसार पहले चरण में बिहार के 267 डाकघरों में जनसेवा केंद्र की शुरुआत होगी। यहां पर जाति प्रमाण पत्र, गैस बुकिंग, पेंशन, जमीन की रसीद, छात्रवृत्ति, बैंकों में अकाउंट खुलवाना, जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट का आवेदन हो सकेगा। सारी सुविधाएं एक छत के नीचे डाकघरों के जनसेवा केंद्र में मिलेगी। इसके लिए CSC, ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया और डाक विभाग के बीच MOU हुआ है। बिहार में कोरोना के मिले 500 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन के पिछले 24 घंटे में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कुल मिलाकर 595 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 241,534 पर पहुंच गई है। वहीं टॉप 3 प्रभावित जिलों की बात करें तो राजधानी पटना में 261 मामले सामने आए हैं, वहीं गया में 33, मुजफ्फरपुर में 20 मामले सामने आए हैं। सिपाही की शारीरिक परीक्षा होगी 30 जनवरी 2021 तक। बिहार पुलिस संगठन में सिपाही के पद पर नियुक्ति के लिए शारीरिक परीक्षा 30 जनवरी 2021 तक आयोजित करवाई जाएगी। इसके साथ ही पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधीन वनरक्षी पद की लिखित परीक्षा 16 दिसंबर को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। बिहार केंद्रीय चयन परिषद की तरफ से विज्ञप्ति जारी कर जानकारी साझा कर दी गई है। सिपाही बहाली की लिखित परीक्षा में कई लोगों को गलत ढंग से परीक्षा देने के लिए भी पकड़ा गया है। पटना, आरा, बक्सर, छपरा के बीच अब सुगम होगी यातायात। बिहारवासियों को नए पुल की सौगात मिली है। 158 सालों बाद बिहार को सोन नदी पर पुल की सौगात मिली है, जिसका उद्घाटन बीते दिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बीते दिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी समेत कई वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में पुल का उद्घाटन किया। उद्घाटन के साथ ही नए कोइलवर पुल पर आगमन शुरू हो गया है। इस पुल के बन जाने से दक्षिण और मध्य बिहार के शहरों पटना, आरा, बक्सर, छपरा के बीच यातायात सुगम हो गई है। झारखंड के नंबर की गाड़ी बिहार में चलाने वालों की अब खैर नहीं। अब झारखंड से खरीदी गई गाड़ियों का बिहार की सड़कों पर परिचालन करवाना मुश्किलों भरा होने वाला है। परिवहन विभाग ने इस बाबत अपना आदेश जारी करते हुए ऐसी गाड़ियों का बिहार में निबंधन करवाना अनिवार्य कर दिया है। विभागीय सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि झारखंड से निबंधित गाड़ियों के परिचालन नियमों का उल्लंघन कर बिहार में लगातार शिकायतें देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं करने वाले वाहन मालिकों पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। मिड डे मील के तहत बिहार सरकार ने कोरोना के माहौल में छात्रों को दिया 700 करोड़ का खाना। कोरोना के माहौल में सरकार को अपनी तरफ से मिड डे मील पर औसत 30-40% का खर्च करना पड़ रहा है। शिक्षा विभाग को इसके लिए निर्धारित बजट से लगभग 250 करोड़ रुपए तक अधिक राशि खर्च करनी पड़ सकती है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार पहले 8 महीने में मध्यावहन भोजन पर 700 करोड़ से अधिक पैसा खर्च कर चुकी है। सामान्य तौर पर इस समय तक 500 करोड़ से अधिक राशि खर्च नहीं हो पाती थी, मगर कोरोना के माहौल में ऐसे लोगों को भी राशि पहुंचाई गई है जो नामांकन के बाद से स्कूल नहीं आए हैं। इसी महीने कुल मिलाकर 94 लाख छात्रों की अभी तक डिमांड आ चुकी है।
बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे विनय पाठक की। विनय पाठक का जन्म 12 जुलाई 1968 में धनबाद कुंभ में हुआ था और वे पले बड़े भोजपुर बिहार में थे। भारतीय अभिनेता, टेलीविजन प्रेजेंटर, फिल्म निर्माता और थिएटर कलाकार हैं। वे अपनी कॉमिक टाइमिंग की वजह से जाने जाते हैं। उन्होंने कई क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्मों में काम किया है, जैसे खोसला का घोसला, भेजा फ्राई। उन्होंने ब्लॉकबस्टर फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स, फिल्म रब ने बना दी जोड़ी में भी काम किया है। अगले दो दिनों तक बिहार में रहेगा कोहरा। बिहार में ठंड का असर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। वहीं दिन और रात में लगने वाले कोहरे ने भी आम नागरिकों की परेशानी बढ़ा दी है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले दिनों में कोहरे का साफ असर देखने को मिलने वाला है। राजधानी पटना में बीते दिन अधिकतम तापमान जहां 21 डिग्री सेल्सियस देखने को मिली, वहीं न्यूनतम पारा 13 डिग्री सेल्सियस था। हालांकि गया सबसे ज्यादा ठंडा शहर रहा। वहीं सुबह से ही धूप का कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिला। दोपहर होते होते थोड़ी धूप दिखी, मगर लोगों को कोई राहत नहीं मिली। बिहार के सभी शहरों में बनेगा ऑटो स्टैंड। बिहार के सभी नगर निकायों में चल रहे कार्य परियोजनाओं की समीक्षा बैठक सूबे के उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने अधिकारियों के साथ की। आयोजित बैठक में उन्होंने सभी नगर निकायों की बेहतर साफ सफाई हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, ये बात कही। इसके साथ ही उन्होंने सभी नगर निकायों में ऑटो स्टैंड बनवाने की बात भी कही है। उपमुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि नगर निकायों में नालों की सफाई साल में 3 बार हो, मानसून से पहले, मानसून के दौरान और मानसून के बाद, ताकि कहीं भी जल जमाव की समस्या पर नियंत्रण पाया जा सके। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने 2014 इंटर लेवल मुख्य परीक्षा का किया ऐलान। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने 2014 इंटर लेवल मुख्य परीक्षा की तारीख का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद बिहार कर्मचारी चयन आयोग 2014 इंटर लेवल मुख्य परीक्षा 25 दिसंबर 2020 को होने जा रही है। बता दें कि इस परीक्षा के लिए साल 2014 में ही विज्ञापन निकाला गया था, लेकिन अभी तक परीक्षा पूरी नहीं हो सकी है। 2014 में जो परीक्षा होनी थी वो अब 25 दिसंबर 2020 को होगी, क्योंकि इस परीक्षा में पेपर लीक मामले को लेकर काफी हंगामा हुआ था। वही परीक्षा से 7 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, जो कि सभी अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट www.bssc.pih.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। पटना के रास्ते नई दिल्ली तक जाने वाले राजधानी के समय में हुआ बदलाव। बिहार की राजधानी पटना के रास्ते कोलकाता से नई दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस के समय में बदलाव आ गया है। यह ट्रेन 20 दिसंबर से अपने नए समय पर कोलकाता से और 25 दिसंबर से नई दिल्ली से रवाना होगी, जिसकी जानकारी पूर्व रेलवे ने दे दी है। पूर्व रेलवे की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार पटना के रास्ते हावड़ा से नई दिल्ली तक जाने वाली ट्रेन संख्या 02305 और 02306 हावड़ा नई दिल्ली, दिल्ली हावड़ा राजधानी स्पेशल वाया पटना जंक्शन का समय 20 दिसंबर से बदल गया है। यह ट्रेन 20 दिसंबर से हर रविवार को हावड़ा से खुलेगी और 25 दिसंबर से हर शुक्रवार को नई दिल्ली से हावड़ा के लिए रवाना होगी। समाज कल्याण की पहल के साथ ही बालिका गृह में रहने वाली छात्राओं का होगा स्किल डेवलपमेंट। समाज कल्याण विभाग की निगरानी में चलाए जा रहे बालिका गृह में छात्राओं को नृत्य, संगीत, कंप्यूटर और ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। मेरी जानकारी के अनुसार हाल ही में विभाग ने उनसे सुझाव मांगा था कि बालिका गृह में और क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, जिससे उनका समय भी व्यतीत हो सके और वो कुछ सीख भी सके। जिसके बाद बालिका गृह में रह रही लड़कियों ने सेल्फ डिफेंस की बात के साथ साथ नृत्य, संगीत और बहुत सी लड़कियों ने ड्राइविंग की ट्रेनिंग देने का सुझाव दिया है, जिसके बाद विभाग ने छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबसे पहले सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। बिहार प्रशासनिक के लिए बनेगा नया नियम। 23 साल पहले बिहार प्रशासनिक के लिए बनाए गए नियमों का पालन आज तक किया जा रहा है। हालांकि अब बनाए गए नियमों में पदाधिकारियों के सामने कई स्तर पर बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है और उन समस्याओं पर अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है, जिसके बाद अब राज्य सरकार ने विप्रसे का कैडर रूल तैयार करने की पहल व्यापक स्तर पर शुरू हो गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसको लेकर कवायद तेज कर दी है। हालांकि विप्रसे को छोड़ने और अन्य सभी सेवाओं, मसलन बिहार जुडिशरी सेवा, विप्रसे को छोड़कर अन्य सभी सेवाएं, मसलन बिहार जुडिशरी सेवा, बिहार पुलिस सेवा समेत अन्य सभी सेवाओं के कैडर रूल्स बन गए हैं। इस तरह से देश के तकरीबन सभी राज्यों की प्रशासनिक सेवा का कैडर रूल कब का बनकर तैयार हो गया है। बिहार में अब 24 घंटे में शहर और 72 घंटों में गांव में बदले जाएंगे क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अपने उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा मुहैया करवाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। शहर सहित जिले में निर्बाध बिजली आपूर्ति की सुलभता के लिए कंपनी न केवल अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त कर रही है, बल्कि उपभोक्ताओं को मिलने वाली शिकायतों का निपटारा भी जल्द से जल्द करने की कोशिश कर रही है। कंपनी के ग्रामीण क्षेत्र के कार्यपालक अभियंता ललित कुमार की माने तो शहरी क्षेत्र में तकनीकी खराबी आने से ट्रांसफार्मर खराब हो जाने के 24 घंटे के भीतर उसे बदलकर उसके स्थान पर नया लगा दिया जाएगा। वहीं ग्रामीण
क्षेत्र में मुख्यालय से दूरी के अनुसार अधिकतम 72 घंटे के भीतर ऐसे ट्रांसफार्मरों को बदलने और मरम्मत करने की व्यवस्था कंपनी द्वारा की गई है। पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडे ने बिहार के निर्माणाधीन पुलों को पूरा करने की कही बात। पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडे ने बिहार राज्य पुल निर्माण निगम को अपनी परियोजना को मार्च 2021 तक पूरा करने का निर्देश दिया है। राजधानी में आर ब्लॉक के जीपीओ आर्म को मार्च 2021 तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही कारगिल चौक से पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल एनआईटी मोड़ तक की परियोजना का निर्माण कार्य भी शीघ्र अतिशीघ्र प्रारंभ करने की बात कही। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, मंगल पांडे ने उक्त बातें बिहार राज्य पुलिस निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा संचालित पुल एवं अन्य परियोजना की अद्यतन स्थिति की समीक्षा बैठक को संबोधित करने के दौरान कही है। बिहार के इकलौते चिड़ियाघर को विश्व स्तरीय मानक पर विकसित करने की शुरू हुई तैयारी। बिहार के इकलौते चिड़ियाघर पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान को विश्व स्तरीय मानकों पर विकसित किया जाएगा। इसके लिए सेंट्रल जू अथॉरिटी देश के 152 में से 15 चिड़ियाघर को चुन चुका है, जिसमें संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम शामिल है। सेंट्रल जू अथॉरिटी ने चिड़ियाघरों को विश्व स्तरीय मानकों पर विकसित करने के लिए अर्नेस्ट एंड यंग एजेंसी को चिड़ियाघरों के सर्वे का काम सौंपा है। इसके तहत अर्नेस्ट एंड यंग एजेंसी संजय गांधी जैविक उद्यान का ग्राउंड वेरिफिकेशन भी करेगी। सर्वे के बाद इसकी रिपोर्ट सेंट्रल जू अथॉरिटी को सौंपी जाएगी। इसके बाद विश्व स्तरीय मानकों पर संजय गांधी जैविक उद्यान को विकसित करने के लिए तकनीकी सहित सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। लालू यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। लालू यादव ने आधी अवधि सलाखों के पीछे रहने की पूरी कर ली है, जिसको लेकर ही लालू यादव ने जमानत याचिका पर सुनवाई की मांग की है। पिछले सुनवाई की बात करें तो उस दौरान सीबीआई ने जमानत का विरोध किया था कि लालू यादव की आधी अवधि की सजा पूरी नहीं हुई है, इसलिए जमानत का लाभ नहीं मिल सकता है। इस पर हाईकोर्ट ने निचली अदालत को जांच रिपोर्ट जारी करने का निर्देश दिया था और यह बताने को कहा था कि आधी सजा पूरी हुई है या नहीं, जिसके बाद अगर आज लालू यादव को जमानत मिल जाती है तो सलाखों के पीछे से बाहर आ जाएंगे। पीएम आवास योजना से अब घर पाना हुआ आसान। पीएम आवास योजना में लाभुकों को विभाग की तरफ से खुशखबरी दी गई है, जिसके परिणाम स्वरूप पहले बिना एलपीसी यानी कि भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र के आवास योजना के लिए राशि लाभुकों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो रही थी, लेकिन अब इसकी अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय ने बताया है कि आवास योजना के लाभ लेने के लिए प्रखंड के अंचलाधिकारी के स्तर से एलपीसी की जगह जारी किए गए वंशावली या सदस्यता प्रमाण पत्र के आधार पर भी आवास योजना का लाभ मिल जाएगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से अहम मानी जाती है। आज ही के दिन 1858 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और यदुनाथ बोस कोलकाता विश्वविद्यालय से कला विषय के पहले स्नातक बने थे। 1922 में आज ही के दिन बॉलीवुड अभिनेता और ट्रेजडी किंग के नाम से मशहूर दिलीप कुमार का पाकिस्तान के पेशावर में जन्म हुआ था। 1935 में देश के वर्तमान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का जन्म पश्चिम बंगाल के वीरभूम में हुआ था। 1946 में राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष आज ही के दिन नियुक्त किया गया था। 1937 में कादर खान भारतीय अभिनेता का जन्म आज ही के दिन हुआ था। पार्थिव पटेल ने वर्ल्ड कप 2021 के लिए कप्तान को लेकर जारी किया अपना बयान। पार्थिव पटेल ने 9 दिसंबर को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। वहीं आईपीएल के 13वें सीजन के बाद वो इस पर बहस छिड़ी हुई है कि क्या T20 फॉर्मेट में टीम इंडिया की कप्तानी विराट कोहली की जगह रोहित शर्मा को सौंप दी जानी चाहिए, क्योंकि रोहित की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने 5 आईपीएल खिताब जीते हैं, जबकि विराट की कप्तानी में आरसीबी ने कोई खिताब नहीं जीता है। पार्थिव पटेल ने भी इस पर अपनी राय रखी है और इन दोनों में से किसे टीम इंडिया का T20 कप्तान होना चाहिए। पार्थिव पटेल की माने तो रोहित शर्मा ने दिखाया है कि वो टीम को खड़ा कर सकते हैं। उन्होंने हमें दिखाया है कि एक टूर्नामेंट कैसे जीता जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि एक फॉर्मेट की कप्तानी उन्हें देने से कोई नुकसान होगा, इससे विराट पर भी प्रेशर कम होगा। व्हाट्सएप का नया फीचर आया सामने। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने कुछ दिनों पहले अपने प्लेटफॉर्म पर शॉपिंग बटन फीचर जोड़ा था। अब कंपनी एक नए फीचर कार्ड्स के साथ आई है, जिसके लिए व्हाट्सएप ओपन करें, अब कॉल बटन के बगल में मौजूदा शॉपिंग आइकॉन पर टैप करें। इससे आप कैटलॉग ब्राउज कर पाते हैं। एक बार कैटलॉग खुल जाने पर आप प्रोडक्ट ब्राउज कर पाएंगे। अपनी पसंद के प्रोडक्ट पर टैप करें। अब आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, मैसेज बिजनेस और ऐड टू कार्ट। अगर आप प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहते हैं तो पहला ऑप्शन चुनें, अगर इसे खरीदना चाहते हैं तो ऐड टू कार्ट ऑप्शन पर टैप करें। आप एक बार में कई प्रोडक्ट्स को ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। लिस्ट पूरी हो जाने के बाद आप इसे विक्रेता को भेज सकते हैं। अब आपको चैट में ही व्यू कार्ट का ऑप्शन भी दिखाई देगा, जिसके जरिए आप कभी भी ऑर्डर की डिटेल्स चेक कर सकते हैं।
अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 10 दिसंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,250 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,250 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 63,400 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 86.42 रुपए प्रति लीटर थी। वहीं डीजल 76.19 रुपए प्रति लीटर था। तेल के दाम कोरोना माहौल में छू रहे हैं आसमान। राजधानी पटना में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। पिछले 12 दिनों की बात करें तो पेट्रोल की कीमत 1.76 रुपए और डीजल में 1.72 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। बीते 7 महीने में पेट्रोल के दाम में 8.62 रुपए और डीजल के दाम में 8.82 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। इस बीच पिछले महीने तेल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ। दूसरी तरफ खाद्य तेल की बात करें तो इनकी कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। इसके कारण लोगों का हर महीने का बजट गड़बड़ा भी रहा है। कारोबारियों की माने तो पिछले एक साल में खाद्य तेल की कीमतों में 30% से अधिक का इजाफा हो चुका है। हालांकि कोरोना के माहौल के कारण तिलहन की खेती पर बुरा असर पड़ा है। सरकार खाद्य तेल की कीमतों पर अंकुश लगाने को लेकर कई बार बैठक कर चुकी है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है रवि कुमार, अशोक कुमार, कुलवंत सिंह, भाई धनजी पहलवान, रंजीत कुमार, नंद कुमार सिंह, रंजन कुमार, असलम राज, श्वेता रॉय, मुन्ना माइकल, रजनीश कुमार, गजेंद्र सिंह, राज पांडे, नंद कुमार, साहिब कुमार पासवान, अमरजीत कुमार, अनुज कुमार, हितेश कुमार, कौशल कुमार, दीपक कुमार राम। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 में रोहित शर्मा या विराट कोहली में से किसे कप्तानी मिलनी चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।